हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मचंजर, आप सबका मेरे विलेज रूफटॉप गार्डन देसीमुरी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी अपडेट देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा फार्म को इम्प्रूव किया है मैंने, देख सकते हैं आप। ये मैंने दो केजेस बना लिए हैं, इस साइड में शेड बना लिए हैं इस दर मुर्गी के रखने के लिए, और अंदर से ये सब कमरा वगैरह मैंने साफ कर दिया है। और कमरा साफ करके मैंने इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो लॉन्ग वीडियो बन रही है उस पर, तो वीडियो बनाएंगे आपको दिखाएंगे। और कुछ पीस आपको ब्लैक दिख रहे होंगे जो कि कड़कनाथ के हैं, जो पूरे पीस तरह नहीं है, कुछ देसी के भी हैं। वो वाली मुर्गी देखिए, उसका लाल फेस है, वो वाली देसी मुर्गी है, मेरी प्योर देसी मुर्गी है हरियाणा की। और ये अपना कड़कनाथ का मुर्गा है, देख सकते हैं कलगी वगैरह सब कुछ, पैर वगैरह से लेकर सब कुछ ब्लैक है इसका, तो देख लीजिए। ये अपना कड़कनाथ मुर्गा है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कड़कनाथ पीस लेके आऊँगा, तो मैं कड़कनाथ मुर्गा लेके आ चुका हूँ यहाँ पे। और इसकी मुर्गी दिखाता हूँ आप लोगों को, उधर गई हुई है तो दिखाते हैं। चलिए, एक ये देसी मुर्गी है जो अंदर गई हुई है, देख सकते हैं आप। देसी मुर्गी भी काली होती है, लेकिन उनमें फ्रेंड्स फर्क होता है बहुत, काफ़ी डिफरेंस होता है। ये देखिए, ये कड़कनाथ की मुर्गी है, साइज में थोड़ी छोटी होती है, ये देख सकते हैं आप। पूरी तरह के इसका पूरी तरह से काली है। इसको पकड़ के मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए पकड़ लेता हूँ पहले। ये देखिए, ये देसी है, ये वाली देसी है, ये कड़कनाथ है। काफ़ी डिफरेंस है फेस का, देखिए पैर का, देखिए इसका आँख, देखिए इसकी कलगी, देखिए कड़कनाथ की पूरी ब्लैक है। तो देख सकते हैं आप देसी में और कड़कनाथ में कितना डिफरेंस है। कोई लोग आपको देसी भी कड़कनाथ बोल के बेच सकता है, लेकिन कड़कनाथ की अलग ही पहचान है, देख सकते हैं पूरी तरह से अलग है। और इसको पकड़ देते हैं, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कड़कनाथ मुर्गी को पकड़ लिया। तो चलिए पहले इसके बारे में आपको डिटेल बता देते हैं। कुछ भाइयों को कड़कनाथ के बारे में नहीं पता होगा, बाकी मोस्टली जो मुर्गी के बारे में जानते हैं वो कड़कनाथ के बारे में जानते ही होंगे। कड़कनाथ मुर्गी फ्रेंड्स काफ़ी काम की होती है। कड़कनाथ मुर्गी पे लगभग काफ़ी फायदे हैं, खाने के भी, उसके मीट के भी फायदे हैं, अंडे खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं। अंडा तो बहुत इसका अच्छे से काम कर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें फैट कम होता है, अंडे में बहुत कम फैट होता है इसके, और प्रोटीन वगैरह भरपूर होता है ऐसे मीट में होता है, मीट में इसका बहुत कम फैट होता है। फैट लगभग इसका नॉर्मल मीट में जो फैट होता है फ्रेंड्स, वो लगभग 0.5 से 1 ग्राम तक होता है, और जो नॉर्मल मतलब ग्राम नहीं सॉरी 0.5 से 1% तक फैट होता है। और जो नॉर्मल मुर्गा खाते हैं हम, देसी खाते हैं आप, ब्रॉयलर में ज़्यादा होता है, और देसी जो खाते हैं हम, देसी में लगभग फैट होता है वो होता है फ्रेंड्स 13 से 25% तक फैट होता है ब्रॉयलर मुर्गे में। देसी में थोड़ा कम होता है, उसका मेरे को पता नहीं है अभी। तो चलिए ये बता देता हूँ, उसके बारे में मैंने बता दिया, अंडे के बारे में बता दिया। फैट बहुत कम होता है इसका, प्रोटीन से भरपूर होता है, प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, मीट में भी प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसके कारण कड़कनाथ की वैल्यू हाई रहती है। और ये अंडे कम देती है, इसके कारण इसकी वैल्यू में भी हाई होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर ये लगभग साल में, एक साल में लगभग फ्रेंड्स ये अंडे देती है लगभग 50 से 80 अंडे देती है कड़कनाथ मुर्गी, 50 से 80 अंडे देती है 1 ईयर में। और इसका वेट भी फ्रेंड्स, मुर्गी देख सकते हैं कितनी छोटी सी है, मेरे हाथ में आ जा रही है पूरी इजिली, ये देख सकते हैं आप। तो मुर्गी लगभग इनका 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है, मतलब 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम तक वेट होता है इसका, कड़कनाथ की मुर्गी का। और मुर्गे का लगभग 1800 से 2 किलो तक होता है, मतलब 1.5 किलो से 2 किलो तक मान सकते हैं आप मुर्गा, जो पूरा ग्रो हो जाता है तब उसका वेट इतना ही रहता है। तो जंगली मुर्गे होते हैं फ्रेंड्स, जंगली ब्रीड होती है ये, लगभग मध्य प्रदेश में कुछ एरिया में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती है कुछ एरिया में, जहाँ पे गुजरात की और इसकी सीमा लगती है वहाँ पे पाई जाती है मुर्गियाँ, और छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती हैं, ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के जंगलों में ही पाई गई थी ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैंने मैक्सली बता दिया इसके बारे में, मुर्गी के बारे में बता दिया, मुर्गी के बारे में बता दिया, मुर्गी को मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। इसके देख सकते हैं आप, थोड़ा इसकी आँखें वगैरह, चोंच वगैरह सब कुछ ब्लैक है, पैर देख लीजिए आप, पैर वगैरह सब कुछ ब्लैक है, देख लीजिए आपने सब कुछ देख लिया इसका, थोड़ी मिट्टी लगी हुई है। और इसका मुर्गी के बारे में मैंने बता दिया, मीट दिखा देता हूँ आपको फ्रेंड्स, थोड़ा कई फ्रेंड बोलेंगे मीट कैसा होता है, मीट के बारे में नहीं दिखाया, तो मीट का देख लीजिए फ्रेंड्स, मीट भी पूरी तरह से ब्लैक होता है, अभी थोड़ा दिखा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा जूम नहीं हो रहा है, पीछे से पता लगेगा फ्रेंड्स आपको, ये थोड़ी भाग रही है थोड़ी, ये देख लीजिए पीछे से थोड़ा पता लग के आपको अनुमान हो जाएगा। स्किन कलर इसका पूरी तरह से ब्लैक है, तो पूरा तरह से ब्लैक ही मीट होता है इसका। और अंडे वगैरह ब्राउन कलर के ही देती है फ्रेंड्स, अंडे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देसी के जैसे ही अंडे देती है। और अभी मुर्गे के पास चल पड़ते हैं हम,
तो मैंने इनकी डिटेल तो आपको बता दिया कड़कनाथ की, और ये लगभग देसी में ही आते हैं सब कुछ चीज का। और ये वाले फ्रेंड्स ये फार्मी वाले लेके आया, फार्म से लेके आया, ये कुड़क नहीं होते हैं, जो घरों में पालते अगर उधर से लेके आता ना तो ये कुड़क होते, लेकिन फिर भी मैं इनको रिसर्च करूंगा कुड़क बनाने की, ट्राई करूंगा कि बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं, तो उसके लिए वीडियो आपके पास में आती रहेगी। तो मेरे साथ में देखते रहिए चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि कुड़क कैसे करते हैं तो वो सब मैं दिखाऊंगा इनको बाद में अगर कुड़क हो पाते हैं तो। बाकी अभी कड़कनाथ मुर्गा इतना ईजी नहीं है पकड़ना, तो ना मैं इसको वीडियो को पॉज करके पकड़ता हूँ इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मुर्गे को पकड़ लिया, बहुत आवाज कर रहा है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, उसको पकड़ लिया, लेकिन ये हाथ में नहीं रुक रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा है अच्छे से। एक बार आप इसका जल्दी से शॉक कर लीजिए, देख लीजिए इसको, ये देखिए पूरी तरह से काला है, पूरा काला है, आँख कान नाक वगैरह सब कुछ, जो कान तो सॉरी कान तो होते ही नहीं है, माफ कीजिएगा, चोंच वगैरह कलगी वगैरह आंखें वगैरह सब कुछ ब्लैक है, फर वगैरह ब्लैक है, इधर थोड़ा सा इसका हल्का ब्राउन कलर टाइप से है। तो देख लीजिए ये दो तीन टाइप के कलर होते हैं कड़कनाथ में भी, वो सब होते ही हैं, तो इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप न सोचेंगे कि ये कड़कनाथ नहीं है, ये कड़कनाथ में होते हैं फ्रेंड। तो कड़कनाथ 6-7 मंथ का हो जाता है तब ऐसा होता है, और थोड़ी शाइनिंग मारता है, ये देखिए आप शाइनिंग देख सकते हैं, शाइनिंग तो लगभग हर मुर्गा मारता है ये, तो ये शाइनिंग है इसकी। और इसका भी मीट कलर आपको दिखाएंगे, और पहले इसके पैर वगैरह देख लीजिए आप, पूरी तरह से ब्लैक है, और मीट कलर भी लगभग देखिए नीचे से आपको फर के नीचे दिख रहा होगा, ये देखिए पूरी तरीके से ब्लैक है। चलिए आपको मैंने मुर्गा दिखा दिया है, मुर्गी भी दिखा दिया है, इसके बारे में बता दिया है, अंडे वगैरह बारे में बता दिया है, इसको पालते कैसे है, नॉर्मल देसी तरीके से पालते हैं, मैं इसको लगभग फीड वगैरह खिलाता नहीं हूँ, फीड वगैरह नहीं खिलाता हूँ, मैंने इसको नीचे गेहूँ डाले हुए हैं, वो कहीं गेहूँ खाता है ये, और साथ में सब्जी डाली हुई है, सब्जी वगैरह खाती है। तो देख सकते हैं आप वो चला गया, काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी जल्दी भागता है, क्योंकि इसका हल्का लाइट वेट है तो पकड़ना बहुत मुश्किल है इसका, अगर इसका भारी होता तो जल्दी पकड़ में नहीं आता, लेकिन लाइट वेट होने के कारण जल्दी इधर उधर भाग जाता है। और ये देखिए ये सब इसका ये सब्जी वगैरह मैंने खरबूजा वगैरह ककड़ी वगैरह डाली हुई है, वो सब खा रहे हैं ये, ये कड़कनाथ भी साथ में वही खाता है। और इधर की साइड में आप देख सकते हैं ये मैंने नीचे गेहूँ वगैरह डाले हुए हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे तो, और ये गेहूँ वगैरह डाले हुए हैं, ये सब लोग इधर खाते हैं गेहूँ वगैरह। और ये सेटअप देख लीजिए, ये सेटअप मैंने लगभग बनाया है, इस पर डिटेल वीडियो बना रहा हूँ बनाने का, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे से कंप्लीट करना बाकी है, तो उस पर वीडियो बने के आएगी, तो आप लोग देख पाएंगे कैसे करके कैसे क्या बनाया है मैंने, कितनी कॉस्ट में आया है मेरे को। और ये मैंने अंडा देने के लिए ये रूम से बाहर ट्रे निकाल दी है मैंने, और रूम की सफाई कर दी है पूरी, और ये अंडा देने के लिए इसका भारी सिस्टम बना दिया देसी मुर्गियों के लिए, और वो खाने के लिए रख दिया है, ये पानी के लिए रख दिया है, और बाकी पाने के लिए काफ़ी कुछ रखा हुआ है। और एक देसी मुर्गा उसमें डाला, एक देसी मुर्गा अंदर डाला है, और कड़कनाथ एक बाहर है, और बाकी अपने मुर्गे इधर ही है, ये देख सकते हैं ये भी है, और जो असील वाला पट्टा है मतलब वो भी इधर ही है, ये रहा, इस पर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। और ये देसी, ये देखिए वाइट वाला देसी मुर्गा काफ़ी अच्छा है ये भी दिखने में, और पूरा ग्रोथ कर रहा है, और अभी इनकी डिवार्मिंग का भी टाइम आ गया है, तो डिवार्मिंग किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो डिवार्मिंग करेंगे इनके पेट के कीड़े मारने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही थी, और ये मुर्गी मेरी कुड़क होने वाली है, जो कि वाइट वाली है, अंदर बैठी है, देख सकते हैं वो वाली, वो लगभग एक दो दिन से बैठी रह रही है, तो लगभग वो एक दो अंडा और देगी फिर कुड़क हो जाएगी। और ये वाले सभी बच्चे हैं, ये लगभग 5 मंथ के आसपास के हो चुके हैं सबके सब, 4 से 5 मंथ के बच्चे हैं इधर, तो 1 मंथ बाद में इसमें भी काफ़ी बच्चे हैं जो अंडों पे आ जाएंगे, मुर्गियां हैं जो, ये भी पूरा साइज लेके पूरी हो चुकी हैं, लगभग 1 kg से प्लस इनका वेट है सबका ही, तो मुर्गी का वेट लगभग 1 kg से प्लस ही रहता है 5 मंथ के होने के बाद। और बाकी अपनी मुर्गियां जब देख पा रहे होंगे, अभी थोड़ा धूप है इसलिए थोड़ी अंदर गई हुई हैं, बाकी थोड़ा उधर उस साइड के नीचे हैं, और बाकी इधर है, इसमें दोनों में है और इस साइड में है, और बाकी साइड बढ़ाएंगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, एकदम से नहीं बढ़ा पा रहा हूँ मैं, थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो उधर साइड बढ़ाता, लेकिन वो भी जल्दी वीडियो आएगी, थोड़ा भगवान ने चाहा तो या फिर कुछ भी मतलब कहीं से भी थोड़ा बहुत मदद मिल जाएगी तो उधर बढ़ाएंगे शेड को, थोड़ा लंबा करेंगे, और शेड बनाने की वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और तब तक मैं इधर ही कर रहा हूँ, थोड़ा रूम का सफाई करके, रूम में थोड़ा मैं अभी पोल्ट्री चिकन वगैरह का वो सब लेके आ रहा हूँ, तो वो सब भी इसी चैनल पे मैं वीडियो डालता रहूँगा, दूसरा चैनल तो है नहीं। तो बस फ्रेंड्स यही वीडियो है और कुछ नहीं है, सफाई हो रही है रूम की, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये सब कचरा वचरा मैंने रूम से बाहर निकाल दिया है, और तो कुछ खास नहीं है, बस खटिया डाल के
कुत्ता नीचे सो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी देर लंबी हो चुकी है और बाल तो की बकवास भी काफ़ी कर दिया लास्ट में वीडियो के मैंने, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस कुछ नहीं।